और उस पूरा जीवन अपना न्योछावर कर देते हैं समाज के, ठीक है, तो उनकी समय से पहले मृत्यु क्यों आती है जैसे डॉक्टर गर्गी और आचार्य ज्ञानेश्वर? इसलिए हो जाती है कि एक तो समाज के लोग उनको जितनी सुविधा देनी चाहिए, जितना ध्यान रखना चाहिए, जितनी उनकी सेवा करनी चाहिए, उतना नहीं करते। एक कारण उन पर जितना काम का भार डालना चाहिए उससे ज़्यादा भार डालते हैं। आपके खेत में जो बैल खेती करता है उस पर आप ज़्यादा भार डालोगे तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा ना, जल्दी बूढ़ा होगा, खुराक पूरी मिलेगी नहीं, जल्दी मरेगा। तो एक कारण यह है कि उनके पास काम अधिक होते हैं, दूसरा उनकी सेवा सुरक्षा उतनी होती नहीं, लापरवाही होती है, और कहीं कहीं तीसरा कारण उनकी अपनी लापरवाही भी हो सकती है, वो खुद भी अपने सेहत पर पूरा ध्यान नहीं देते, लापरवाही कर जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सारी दुर्घटनाओं के जो कारण हैं उनको दूर करना चाहिए, वो लोग भी सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर अपना परीक्षण कराएँ, कोई चीज़ रोग आए तो चिकित्सा करें। जैसे मैंने अभी कराई, मुझे भी आया था हल्का सा अटैक, मुझे भी आया था, तो मैं तो तुरंत 10 मिनट में डॉक्टर के पास पहुंच गया हॉस्पिटल में, चेन्नई में बड़े हॉस्पिटल में। वहां जाते ही इमरजेंसी में एडमिट हो गया, फटाफट CNG ECG और वो इको टेस्ट जो भी था फटाफट टेस्ट कर लिए और पकड़े में आ गई बीमारी और फटाफट ठीक हो गया। तो ऐसे सावधानी रखनी चाहिए लोगों को, और समाज के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी उनकी पूरी सुरक्षा करें, सावधानी सेवा करें, और काम भी लिमिटेड रखना चाहिए, बोझ अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नुकसान होता है। ये बात